इस वीडियो में हम आपको बताएं कैसे आप अपने ब्लॉगर व्यवसाय के मेन मेन्यू को कस्टमाइज कर सकते हैं। हालांकि बहुत से लोग उसको मेन मेन्यू, हेडर बार, हेडर मेन्यू भी बोलते हैं, तीनों का काम एक ही है, आप बहुत ही आसान तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। मैंने अपने ब्लॉगर व्यवसाय के दूसरे एपिसोड में भी बताया था कैसे आप अपना पूरा ब्लॉगर व्यवसाय को कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम केवल बात करेंगे मेन मेन्यू के बारे में। और मैं आपको इतना आसान तरीके से बताऊंगा कि अगर आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप किसी ब्लॉगर वेबसाइट के मेन मेन्यू भी बहुत ही आसान तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं तो इस तरह को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे आपको ब्लॉगिंग रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। हम फिर से लेआउट पे आएंगे और यहाँ पे है मेन मेन्यू। मैं आपको दिखा दूँ कि ये आपका मेन मेन्यू है, इसको हम कस्टमाइज करेंगे। सबसे पहले हम इसमें क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले ये सब जो भी चीज़ें हैं इनको हमको हटा देना है। यहाँ पे हम जाते हैं और इन सभी चीज़ों को यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप मेन मेन्यू पे जाएंगे तो सबसे पहले देख सकते हैं होम है, यहाँ पे मेगा मेन्यू है, उसके बाद से फीचर्स के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब चीज़ें ऐसे आ रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सब तीन चीज़ें ऐसे आ रहा है। अगर आपको ऐसे क्रिएट करना है तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम क्रिएट करके आपको दिखाते हैं। अब जाएँगे इस पर और सबसे पहले हम यहाँ पर होम लिख देंगे, उसके बाद से हम इसको सेव कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पर जो भी चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कि एक और आपको चाहिए यूट्यूब का, सिंपली हम यहाँ पे YouTube लिख देंगे। अब इसको हम सेव कर देंगे। अगर आपको चाहिए कि यहाँ पे YouTube के नीचे, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ये YouTube है और YouTube के नीचे आए आर्टिकल, वीडियोज, ये सब आए, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम सेव करके आपको दिखाते हैं कैसे क्या करना है। जैसे हम इसको सेव कर लेते हैं, एक बार इसको हम रिफ्रेश कर देंगे। अब जैसे हम इसको सेव कर लें तो यहाँ पर देख सकते हैं होम आ रहा है और यूट्यूब आ रहा है। अब मुझे चाहिए कि यूट्यूब के नीचे आए यूट्यूब वीडियोज, यूट्यूब पोस्ट, ये सब चीज़ आए, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे YouTube के नीचे हमको लिखना है तो ऐड ए न्यू आइटम के बटन पर टैप कर देंगे। उसके बाद से आपको एक छोटा सा अंडर बार लगाना है ऐसे। अब यहाँ पे आपको जो भी लिखना है वो यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ YouTube अपडेट। अब जैसे कि यहाँ पे हम YouTube अपडेट लिख दें, आप सिंपली यहाँ पर हम सेव करेंगे और इसको भी सेव कर लेंगे। अब अगर हम अपने वेबसाइट पर जाएंगे एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे यूट्यूब के नीचे जैसे कि वहाँ पर फीचर्स में आ रहा था, वैसे यहाँ पर आप यूट्यूब पर जाएंगे तो यूट्यूब अपडेट आ रहा है। ऐसे यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अंडर स्कोर लगाएंगे और कुछ और यहाँ पर फीचर्स ऐड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे अंडर स्कोर लगाए हैं, जैसे अंडर बार, ऐसे ही हमको क्लिक करना और यहाँ पे हम YouTube अपडेट लिख देते हैं, YouTube पोस्ट लिख देते हैं, YouTube गैजेट लिख देते हैं। अब इसको हम सेव कर देंगे। अब जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे होम, YouTube के नीचे YouTube अपडेट, वीडियोज और ट्रिक आ रहा है, भाई ये होम के नीचे ये नहीं आ रहा है। तो कैसे आ रहा है, सबसे पहले आपको इसमें जाना है और जो भी आपको लिखना है, जैसे कि हम YouTube लिख दिए, उसके नीचे आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा यहाँ पे अंडर बार लगाना है और उसके बाद आपको जो भी लिखना है वो यहाँ पे लिख दीजिए। फिर से मैंने एक छोटा सा अंडर बार लगाया, याद रखिए कि ये YouTube के अगर नीचे है तो ये सब YouTube के नीचे दिखाई देगा, वही अगर जैसे कि मान लीजिए कि हम इसको ऊपर भेज देते हैं तो आप देखेंगे कि होम के नीचे ये छोटा सा अंडर बार है, यहाँ पे भी छोटा सा अंडर बार है और यहाँ पे छोटा सा अंडर बार है। अब इसको अगर हम सेव करेंगे तो ये होम के नीचे दिखाई देगा। चलिए एक बार हम इसको सेव कर देते हैं। जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे कि YouTube से हट के ये होम पे चला जाएगा। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, अब देखेंगे कि यहाँ पे YouTube और होम के नीचे ये सब चीज़ें आ चुका है। अब क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे दूसरे नंबर पे होम था। आप यहाँ पे अगर जाएंगे तो देखेंगे कि इस पर क्लिक करेंगे तो YouTube पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे होम है और होम के नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पे छोटा सा अंडर बार है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यानी अंडर बार के ऊपर जो भी होगा उसमें ऑटोमेटिक ये सभी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक बार हम इसको ऊपर कर देते हैं और YouTube को नीचे ला देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ये जो इस सेक्शन दिखाई दे रहा है, इस सेक्शन के अंदर भी अगर आपको बनाना है, बॉक्स बनाना है, तो वो भी आप बना सकते हैं। अब क्या करना है कि पहले जैसे कि एक बॉक्स आप लिख रहे थे, वैसे यहाँ पे आपको दो बॉक्स लगाना है। जैसे कि यहाँ पे हम जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे एक छोटा सा अंडर बार पहले लगा रहे थे, अब आपको दो लगाना है। सबसे पहले देख लीजिए कि कहाँ पे आपको ऐड करना है। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे ऐड करना है यूट्यूब ट्रिक में, या मान लीजिए कि मैं मुझे ऐड करना है यूट्यूब वीडियोज में ऐड करना है, तो सबसे पहले आपको जो भी लिखना है वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं कि पहले एक लगा रहे थे, अब आपको दो लगाना है और यहाँ पर आपको लिख देना है न्यू। अब जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एग्जांपल के लिए न्यू यहाँ पे लिख दिया, अब इसको हम सेव कर देंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पे हम ये जो न्यू दिखा रहा है ये ऊपर है यूट्यूब ट्रिक के, तो यानी यूट्यूब ट्रिक के नीचे ये आएगा। अब मुझे चाहिए यूट्यूब वीडियोज में आए, यूट्यूब वीडियोज पे कोई जाए तो उसको न्यू वाले पर आए, तो इसको हम ऊपर कर देंगे। अब ऊपर कर देंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर पहले एक अंडर बार था और यूट्यूब वीडियोज था, अब यहाँ पर दो हमने अंडर बार लेके लिख दिया है। तो अब ये इस पर जाएंगे, अगर आप कर्सर करेंगे तो यहाँ पर न्यू वाला एक सेक्शन आएगा। इसको एक बार हम सेव कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। अब जैसे हम इसको रिफ्रेश करें तो देख सकते हैं यूट्यूब, उसके बाद से यूट्यूब अपडेट, अब यूट्यूब वीडियोज के नीचे यहाँ पे न्यू आ गया। ऐसे ही अगर आपको और ऐड करना है तो क्या कीजिए कि आप जाइए इस पर क्लिक कर दीजिए, सिंपली आपको डबल अंडर बार लगाना है और यहाँ पे जो भी आपको लिखना है, जैसे कि यहाँ पे लिख देना है मेगा, उसके बाद से अगर आपको क्या करना है कि यहाँ पे इसको सेव कर लेना है।
अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो मेघा है ये यूट्यूब ट्रिक के आ रहा है नीचे, तो यानी अगर आप इसको सेव करेंगे ऐसे तो यूट्यूब ट्रिक के नीचे ये आएगा। तो इसको हमको चाहिए कि न्यू वाले पे जाए, जैसे कि यूट्यूब वीडियोज के पास न्यू आए और न्यू के पास ये मेघा वाला भी आए। अगर आप इसको ऐसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे हम जाएँगे अपने वेबसाइट पर रिफ्रेश करेंगे, जैसे कि यूट्यूब आ रहा है और YouTube अपडेट आ रहा है, उसके बाद से YouTube ट्री के नीचे मेघा आ रहा है, क्योंकि आप मेघा के जस्ट ऊपर ये वाला है। अगर आपको मेघा वाला चाहिए कि YouTube वीडियो पे आए तो आपको मेघा वाला को लेकर जाना पड़ेगा ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि वापस आते हैं, मेनू में न्यू के बटन पर टैप कर देते हैं और जो हमारा मेघा वाला था इसको हम ऊपर कर देंगे। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और मेघा अब आ चुका है न्यू के नीचे। अब देखेंगे यूट्यूब सबसे पहले आ रहा है यूट्यूब वीडियो, इसमें आपको एक छोटा सा डबार दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले आपको एक छोटा सा अंडरबार दिखाई दे रहा है सिंगल वाला, उसके बाद से ये लिखा गया है। इसके नीचे अगर आपको ऐड करना है कुछ भी तो आपको डबल अंडरबार लगाना है। ऐसे अगर आपको यूट्यूब ट्री के नीचे ऐड करना है तो आप क्लिक कीजिए और आपको डबल अंडरबार लगा के जो भी लिखना है वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि इसको हमने यहाँ पर सिंपली सेव कर लेते हैं और एक बार जाएंगे हम अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश कर देंगे, यूट्यूब के नीचे ये दोनों आ गया। ऐसे यहाँ पे आपको जो भी लिखना है वो यहाँ पे आप लिख दीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे मैंने अपने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको यहाँ पे मेन मेन्यू को कस्टमाइज करके दिया है। सबसे पहले होम है, उसके नीचे आर्टिकल है और आर्टिकल के नीचे ये यूट्यूब ट्यूटोरियल आएगा, यूट्यूब वीडियो आएगा, यूट्यूब ट्रिक आएगा, उसके बाद से आएगा यूट्यूब वीडियोज दूसरे ये सेक्शन में, उसके बाद सर्विस आएगा और आपको सर्विस के नीचे एडिटिंग पैक, थंबनेल पैक और डिजिटल प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाई देगा। अब जैसे इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे अपने ब्लॉगर वेबसाइट पे, एक बार इसको हम रिफ्रेश कर देंगे, उसके बाद से आपको दिखा रहा है कि ये कुछ कैसा दिखाई देगा। सबसे पहले होम, आर्टिकल के नीचे यूट्यूब ट्यूटोरियल, यूट्यूब अपडेट्स, यूट्यूब ट्रिक दिखाई दे रहा है, उसके बाद से यूट्यूब वीडियो और सर्विस के नीचे एडिटिंग पैक, थंबनेल पैक और यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहा है। अगर आप इन सभी सेक्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने इस पर एक होम पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक ये ब्लॉग्ड का यहाँ पे सेक्शन दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले अब हम इसको अच्छे से कस्टमाइज करेंगे ताकि मान लीजिए कोई यहाँ पे इस पर क्लिक करे तो ये रिस्पॉन्स करे कुछ। तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको ब्लॉगर पर चले जाना और यहाँ पर पोस्ट के बटन पर आपको टैप कर देना है। अब न्यू पोस्ट के बटन पर आप टैप कर देंगे और यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ भी यहाँ पर नाम डाल देना है, जैसे कि यहाँ पर हम नाम डेमो लिख देते हैं। उसके बाद से आपको क्लिक करना है इस पर और छोड़ देना है ऐसे ही। अब यहाँ पर आप देखेंगे लेवल दिखाई दे रहा है, आपको इस पर टैप करना है और आपके ब्लॉगर वेबसाइट पे होम को छोड़ के जो भी ये है उस पर आपको क्लिक करते जाना है और यहाँ पे आपको कॉपी कर लेना है। जैसे कि इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम जाएँगे लेआउट पर और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब आर्टिकल यहाँ पर जैसे हम लिख देते हैं, उसके बाद से हम एक कामा लगाएंगे, उसके बाद से यहाँ इसके नीचे जो भी है, जैसे कि अब यहाँ पे YouTube ट्यूटोरियल है तो इसको हम कॉपी करेंगे इसको। अब यहाँ पे हम पेस्ट करके फिर से एक कामा लगा देंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने YouTube अपडेट आ रहा है, सिंपली यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे इसको और यहाँ पे आपको सेम वही तरीका है जाके यहाँ पे कामा लगा के आपको पेस्ट कर देना है। पॉलिश कामा है तो ठीक है, उसके बाद से आपको फिर से कामा लगा देना है और ऐसे यहाँ पे आप जो भी लिखे हैं मेन मेन्यू में, जैसे कि यूट्यूब ट्रिक लिखे हैं तो इसको भी आपको कॉपी कीजिए और लेबल में जाके पेस्ट कर दीजिए। फिर से आपको इसको भी लिखिए और लेबल में जाके पेस्ट कर दीजिए, सर्विस लिखिए और उसके बाद से इन सभी को कॉपी कीजिए और जाके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो चलिए हम जल्दी जल्दी इन सभी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सभी चीज़ों को कॉपी कर दिया, आर्टिकल, यूट्यूब, यूट्यूब ट्यूटोरियल, यूट्यूब अपडेट्स, यूट्यूब ट्रिक, यूट्यूब वीडियो, सर्विस, एडिटिंग पैक, थंबनेल और डिजिटल प्रोडक्ट है। तो एक बार आप अच्छे से देख लीजिए कि यहाँ पर कोई सेक्शन छूटा तो नहीं है। अगर ये सेक्शन कोई छूट रहा है तो यार बाद में अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है, आप इस पर जाके फिर से वो काम लगा के जो भी लिखना चाहते हैं उसको लिख सकते हैं। अब चलिए कि यहाँ पे ये सब कुछ है तो क्या करेंगे, हम सिंपली पब्लिश बटन में टैप करेंगे और इसको कंफर्म कर देना है। ये केवल एक ही बार करना है, उसके बाद से आप जैसे कि आप टैप करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आप लिखे होंगे इसका सब यहाँ पे लेवल आ जाएगा। अगर यहाँ पे ये लेवल दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पे ये सब टैग्स आ जाएंगे, इस पर आप टैग पर क्लिक कर सकते हैं। अब सबसे पहले क्या है कि होम है, तो सबसे पहले हम होम को लिख देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको इतना ऊपर का कॉपी कर लेना है और चले जाना है अपने ब्लॉगर पे, लेआउट के बटन पे आपको टैप कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे आएंगे तो देख सकते हैं मेन मेन्यू, आपको इस पर टैप करना है और सबसे पहले होम के बटन पे टैप करना है। अब यहाँ पे अगर आप स्लैश के बटन पे टैप करते हैं तो अगर कोई होम के बटन पे टैप करेगा तो ऑटोमेटिक ये होम वाली वेबसाइट भी चले जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे होम के बटन पे टैप करते हैं और यहाँ पे मैंने एक स्लैश लगा दिया, उसके बाद से इसको हम सेव कर देते हैं। अब एक बार अगर हम अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे और कोई होम के बटन पर टैप करेगा तो उसको देखेंगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिक वो हमारे जो होम पेज का वेबसाइट है वो इस पे आ जाएगा। अब यहाँ से भी क्या करना है कि आपको इसको भी कॉपी कर सकते हैं और जहाँ पे आप स्लैश लगाए हैं वहाँ पे जाके आप पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप दोनों में कोई एक लगा लीजिए, या तो इसको आप यूज कर लीजिए
या अगर आप चाहते हैं होम पेज का लिंक ये पेस्ट करना है तो उसको पेस्ट कर सकते हैं। दोनों का बात एक ही है, तो हम सिंपली यहाँ पे स्लैश रहने देते हैं। उसके बाद हम आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा पोस्ट है इसमें हमने कोई भी थंबनेल नहीं लगाया था, तो ये ऑटोमेटिक ये जो हमारा डिफॉल्ट थंबनेल बना है कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इससे हम टैप कर देंगे। अब यहाँ पे जो भी है, जैसे सबसे पहले यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो आर्टिकल है, तो सबसे पहले हमको आर्टिकल के बटन पर टैप कर देना है। यहाँ से आप ध्यान से देखिए, जैसे आर्टिकल के बटन पर टैप करेंगे तो लास्ट में यहाँ पे देखेंगे स्लैश के बाद से आपको आर्टिकल दिखाई देगा, यानी ये यूआरएल सही है। तो हम इस यूआरएल को यहाँ पे सिंपली पूरा कॉपी करेंगे और ब्लॉगर लेआउट पे चले आएंगे और आर्टिकल के बटन पर टैप कर देंगे। अब इसको हम हटा देंगे सिंपली यहाँ से, और जो आपने लिंक कॉपी किया था उसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। आप ध्यान दीजिए कि जो भी आप लिखेंगे लास्ट में आर्टिकल या जो भी लिखेंगे सिर्फ इन दोनों का नाम मैच करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आर्टिकल कॉपी किया था, तो ऊपर यहाँ पे आर्टिकल का अगर मैच कर रहा है तो सेम, अगर नाम मैच कर रहा है तो समझ लीजिए कि ये जो यूआरएल ये सही है। अब इसको हम सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे यूट्यूब ट्यूटोरियल, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और सबसे देख लेंगे यहाँ पे हम वापस आएंगे यूट्यूब ट्यूटोरियल कहाँ पे है, तो यहाँ पे यूट्यूब ट्यूटोरियल है, इस पर हम टैप कर देंगे। अब सेम जैसे कि आप यूट्यूब ट्यूटोरियल के बटन में टैप करेंगे देखेंगे लास्ट में आपको यूट्यूब और यहाँ पर ट्यूटोरियल आ रहा है, यहाँ पर यूट्यूब और ट्यूटोरियल आ रहा है, यानी ये यूआरएल सही है। इतना हम कॉपी करेंगे इसको फिर से, ये एक ही बार आपको करना है, बार बार नहीं करना है। सिंपली आपको जाइए और इसको आप हटाएंगे और यहाँ पे जाके सेम वो जो था उसको आप पेस्ट कर देंगे। तो लास्ट में देखेंगे कि यहाँ पे यूट्यूब ट्यूटोरियल है, तो यहाँ पे भी आज जाएंगे तो यूट्यूब ट्यूटोरियल दिखाई देगा, यानी सही है। सिंपली यहाँ पे हम सेव कर देंगे। ऐसे यहाँ पे आपको सभी पे भर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सभी पे लिंक ऐड कर दिया। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल है, तो लास्ट में यहाँ पे आपको आर्टिकल दिखाई देगा, यानी यहाँ पे जो भी आप नाम लिखेंगे वो लास्ट में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे तो यहाँ पे लास्ट में दिखाई देगा, और सब सही है। तो सिंपली यहाँ पे आप सेव के बटन पर टैप कर दीजिए। अगर आप बाय मिस्टेक कोई भी मेन मेन्यू को छोड़ दिए हैं तो क्या करना है कि आपको सबसे पहले पोस्ट पे चले जाना है और आपको इस पोस्ट पे टैप करना है, और लास्ट में यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए जो भी छूटा है उसका नाम यहाँ पे कम लगा के लिख दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे डेमो छूटा है तो यहाँ पे कम लगा के हम डेमो लिख देंगे। उसके बाद जैसे हम अपडेट के बटन पर टैप कर देंगे, उसके बाद से हम चले जाएँगे अपने ब्लॉगर वेबसाइट पर, या डायरेक्ट यहाँ पर आइए वापस आएँगे तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सेव हो गया। उसके बाद से व्यू ब्लॉग के बटन में टैप करेंगे तो जो आपका पोस्ट होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे कि ये डेमो का पोस्ट है ये शो हो जाएगा, इस पर आपको टैप कर देना है, और लास्ट में जो भी यहाँ पे आप लेवल लगाए होंगे वो यहाँ पे भी शो हो जाएगा, आपको उस पर टैप करना है और उसका जो भी लिंक बनेगा उसको आपको कॉपी करके फिर से ब्लॉगर पर चले जाना है। लेआउट बटन पर आपको टैप कर देना है और यहाँ पर आपको मेन मेनू जो भी है इस पर आप टैप कीजिए, और लास्ट में आपको एक और यहाँ पर क्लिक करना है, डेमो जो भी आप लिखे हैं लेवल उसको लिखिए और उसका लिंक जो भी बन रहा है उसको यहाँ पे पेस्ट करके सेव कर दीजिए। सेम यही तरीका आप जैसे इसको सेव कर लेते हैं, मेरा पहले सेव है, एक बार हम इस पे जाएंगे और एक बार इसको रिफ्रेश कर देंगे। अब देखेंगे मान लीजिए कि हम YouTube ट्यूटोरियल के बटन पर टैप करता हूँ तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये YouTube ट्यूटोरियल देखिएगा यहाँ पर नाम, और सबसे पहले ऊपर देखेंगे कि यहाँ पर URL चेंज हो जाएगा। अब YouTube ट्यूटोरियल के बटन पर हम टैप करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर YouTube ट्यूटोरियल ये जो भी YouTube वीडियोज आ गया, और लास्ट में आपको देखेंगे तो यहाँ पर YouTube वीडियोज का यहाँ पर लिंक आ चुका है। अब ऐसे यहाँ पे अगर हम YouTube अपडेट के बटन में टैप करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले YouTube अपडेट आ जाएगा और ऊपर YouTube अपडेट का यहाँ पे सेक्शन आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जिसमें भी पोस्ट ऐड करेंगे वो पोस्ट यहाँ पे शो होगा। चलिए हम एक बार आपको दिखा देते हैं, अब अगर ये सब लिंक सही से काम कर रहा है तो आप वापस आइए यहाँ पर पोस्ट के बटन पर टैप कर दीजिए, और ये जो पोस्ट है इसको यहाँ पर क्या करना है कि आपको रिवर्ट टू ड्राफ्ट कर देना है, ताकि ये जो पोस्ट है ये किसी को दिखाई ना दे।